हाय फ्रेंड्स, आज मेरा एक स्टूडेंट के साथ थोड़ा मैं स्पीडली साइड आर्म डालने वाला हूँ। तो साइड आर्म से मतलब बहुत सारे जो प्रॉब्लम होती है बैटिंग टाइप पे वो निकल जाती है। तो आज मेरे साथ जो स्टूडेंट सिद्धार्थ कर, आपको आज मतलब पहले भी आप साइड आर्म बैटिंग करते हो, आज आपने बोला कि सर मुझे साइड आर्म बैटिंग करना है, कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो अभी उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आज हम थोड़ा उसको डालेंगे साइड आर्म, कम स्पीड से डालेंगे और फास्ट स्पीड से डालेंगे, दोनों स्पीड से डालेंगे। और उसमें क्या होता है कि साइड आर्म से बैटिंग इम्प्रूव होता है, और बैटिंग इम्प्रूव करने के लिए साइड आर्म खेलना ज़रूरी है। अभी उसकी बहुत छोटी है इसे, लेकिन फिर भी वो खेल लेता है, मतलब नॉर्मल तो खेल ही लेता है, इसलिए कोई दिक्कत जैसा नहीं है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अभी। थोड़ा बाहर निकल के खेलो, स्टेप आउट हो गया। आगे ये बनना पड़ेगा बेटा। से खेल, सब शॉट खेलने निकल थोड़ा आगे। ताकत कर आगे आके यार।
दो सेट कंप्लीट हुए अभी। कैसा लग रहा है उसको फीडबैक लेने के लिए आएंगे? साइडआर्म से फर्स्ट तुमको तुम्हारा आई फोकस होता है वो कंप्लीट करना होता है। अगर तुम्हारा आई सेट कंप्लीट है तो तुम साइडआर्म आराम से करो। तुम पता है, तुमको पता है तुम ग्रुप ग्रुप से साइडआर्म करो। अभी तुमको ये बोल आ रहा है, कभी ये वाला बोल आ रहा है, लास्ट तुमको पता चल गया मालूम है तुमको कैसा हो रहा है। आज साइडआर्म का उसको मैंने प्रैक्टिस करवाया है, लेकिन बहुत सारा तकलीफ होता है जो साइडआर्म से निकल जाता है। जैसे हमको बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको मेडिसिन भी देता है और इंजेक्शन भी देता है। अगर इंजेक्शन से जल्दी सेट हो गया तो हम बुखार जल्दी उतरेगा। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे मतलब मजबूत होते हैं जो उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो मेडिसिन के हिसाब से सेटअप हो जाता है। लेकिन इसको क्या है, मेडिसिन के हिसाब से मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया। अभी अगर उसको तकलीफ लगी, अभी उसको बैटिंग नहीं हो रहा, तो फिर इंजेक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उसको क्या हेवी साइडआर्म डालना पड़ेगा, स्पीडली जो रैम्बो साइडआर्म बोलते हैं। और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है। लेकिन वहाँ पे उसका फोकस जब ट्रिगर मूवमेंट होता है तब वो रुक जाता है। तो वो वाले मोमेंटम पे उसको रुकना नहीं है, उसको पूरा सेटअप बनाना है। आपको समझ आ रहा है ना, मैं जो समझा रहा हूँ? आपको पूरा आई सेट बनाना है। अगर आपका साइड सेट कंप्लीट हो गया, आपको कंप्लीट बॉल दिखने लगी, तो आप आराम से बैटिंग कर पाओ। और आप कभी कभी क्या करते हो, ये वाले बॉल को भी डिफेंस कर लेते हो। ये वाला बॉल तो आपका लेवल पे है नहीं कि डिफेंस कर पाओ। ये वाले बॉल तो आप ऑल राउंड रमते ही हो, आराम से खेलते ही हो, तो तकलीफ है ही नहीं। ठीक है, तो आज हमारा साइडआर्म का वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और रोज़ वीडियो डालता हूँ, जितना बने इतना ट्राई करता हूँ कि वीडियो बना के डालता रहूँ। और काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी अभी भी बस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बस ऐसा ही आपका सपोर्ट चाहिए, और जितना सपोर्ट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब और लाइक शेयर। यस, बाय बाय।